सर हमारा कॉलेजों में एडमिशन नहीं हो रहा है सर, हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं सर, अब हमारा क्या होगा आप ही बताइए, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि जो सर हमारा सप्लीमेंट्री का अभी रिजल्ट आया था उसमें हम एक विषय में फेल हो गए हैं या सभी विषय में फेल हो गए हैं या दो तीन विषय में फेल हो गए हैं, इसी प्रकार से रुक जाना नहीं वालों का हाल है। और एक बच्चा कह रहा था कि सर हम तो एक विषय में फेल हैं तो अब हमारा क्या होगा, तो हम आपको बता दें चाहे आप एक विषय में फेल हों चाहे सभी विषय में फेल हों आपको फेल ही माना जाएगा, क्योंकि भाई साहब ये सप्लीमेंट्री का रिजल्ट था और रुक जाना नहीं का रिजल्ट था, उसमें अगर आप एक विषय में भी फेल हैं तो आपका पूरा रिजल्ट फेल माना जाता है। तो यहाँ पर आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपका पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे नंबर वन का जो डाउट है वो ये है क्या सर हम 12वीं दोबारा से कर लें, तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि आपको 12वीं दोबारा से करना पड़ेगा, ये 101% श्योरिटी मैं देता हूँ, क्लियरिटी मैं करता हूँ। क्यों, देखो आपका इस साल कॉलेजों में एडमिशन नहीं होना है, ये आप अपने मन के जो बहम है वो निकाल दीजिए, आपने जो ख्वाब सजाए हैं ना भाई साहब कॉलेज के वो हटा दीजिए, क्योंकि देखो कॉलेज में एडमिशन लेने का एक फॉर्मूला होता है कि भाई साहब आपको अपनी मार्कशीट चाहिए होती है, या कि मतलब कि सप्लीमेंट्री में अगर आप पास हो जाते तो वो वाली मार्कशीट लग जाती और संग में आपकी TC लगती, तो भाई साहब ना आपके पास TC है ना आपके पास मार्कशीट है, तो भाई साहब आपका इस साल कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। क्योंकि कई बच्चे कह रहे थे सर हम रुक जाना नहीं 2 का फॉर्म भर देंगे, दिसंबर में पेपर होगा तो हमारा क्या कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या कॉलेज वाले दिसंबर तक वेट करेंगे, भाई साहब अभी तक तुमने वेट कर ही लिया, दिसंबर तक वो वेट नहीं करेंगे, भला ही आप भरना चाहते तो भर सकते हैं उसमें कोई दोहराय नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि आप 12वीं जो है वो दोबारा से कीजिए, रुक जाना नहीं 2 में आप ना पार्टिसिपेट करिए। क्यों यार बेकार है यार, जब दिसंबर में पेपर होना है दो तीन महीने रह जाते हैं आपकी मेन परीक्षा के, है ना बोर्ड परीक्षा के, तो दोबारा पढ़िए और जो मार्च में पेपर होंगे उसी में बैठ जाना, बढ़िया एक साल पढ़ लो जब फेल हो ही गए हो, है ना। तो मेरा यही मानना है कि आप 12वीं दोबारा से करिए, देखो फेल इंसान ही होता, सचिन तेंदुलकर भी फेल होने के बाद हुए थे, है ना, तो आपको डरना नहीं है, मेहनत करना है, दोबारा पढ़ लीजिए। हाँ इसका एक सोल्यूशन है कि रुक जाना नहीं 2 का फॉर्म भी भर दो, साथ साथ 12वीं का रिपीट का फॉर्म भी भर दो, अगर आप दिसंबर वाले रुक जाना नहीं में फेल भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मार्च में बोर्ड परीक्षा देने को मिल जाएंगी दोबारा से 12 में, है ना, यानी कि जो इस साल है वो आपका बर्बाद नहीं होगा, और जो भाई साहब बर्बाद करना चाहता है वो तो वैसे ही कर देगा, क्योंकि उनको अपने मम्मी पापा आस पड़ोस समाज का कोई ख्याल ही नहीं है। यार पढ़ो ध्यान से पढ़ो यार, मैं ये नहीं कहता कि आप रोज 10 घंटे पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो रोज, लेकिन चाहे 1 घंटा पढ़ो लेकिन पढ़ना रोज है तभी आप पास होंगे। तो मेरा यही मानना है, यही सजेशन है कि आप 12वीं दोबारा कैसे करो, क्योंकि इस साल आपसे कॉलेज का एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि उसमें TC और मार्कशीट लगती है, बकाया आपका मन है। देखो मेरा एक सजेशन है कि रुक जाना नहीं 2 का भी फॉर्म भर दो, रिपीट 12 का भी भर दो, लेकिन जो समझदार बच्चा होगा वो केवल 12वीं दोबारा से पढ़ेगा, क्योंकि कोई फायदा नहीं है दिसंबर में पेपर देने से, क्योंकि आपका तो भाई साहब एडमिशन तो होना नहीं है। जो 10 वाले बच्चे हैं वो ऐसा कर सकते हैं ना, लेकिन आप लोग ऐसा ना करिए, दोबारा 12वीं से कीजिए, आपका यही सब सोल्यूशन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं कि अब हमारा क्या होगा, हमारा कॉलेज में एडमिशन होगा कि नहीं होगा, उनको जरूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।